सत श्री अकाल जी। जी पंजाब राणा हिमाचल देखे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनुबीर ते रुक करांगे फटाफट अंदाज विच 100 खबरों का। जी पंजाब राणा हिमाचल नाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दौरान मुख्यमंत्री चन्नी दा वड्डा बयान, किसी पार्टी नाल नहीं मेरे सिस्टम खिलाफ लड़ाई। मुख्यमंत्री चन्नी दा बयान, मुख्यमंत्री चन्नी बोले खेतीबाड़ी कानून रद्द होने तक केंद्र नाल जंग रहेगी जारी, मैनू कोई डर नहीं भावे केंद्र अज साडी सरकार कर देवे बरखास्त। बीएसएफ दे मुद्दे ते सुप्रीम कोर्ट जाण दी तैयारी च पंजाब सरकार। जी पंजाब राणा हिमाचल दे मंच तों सीएम चन्नी ने दित्ते संकेत, कहा बीएसएफ दे अधिकार खेत्र वधाए जाण दा सख्ती नाल करदे आं विरोध। पंजाब बीजेपी दी लीडरशिप ने दिल्ली दरबार दे विच लवाई हाजरी, बीजेपी आगुआं वल्लों पहलां पीएम मोदी नाल तां फिर बीजेपी आगुआं ने करतारपुर लांघा दी खोलण दी कीती मंग। पीएम मोदी तों बाद पंजाब बीजेपी दे आगू बीजेपी दे कौमी प्रधान जेपी नड्डा नूं मिलण पहुंचे ते कई मुद्दे ते मंथन कीता गया। कांग्रेस च शामिल होना चाहते ने आप वालों ऐलाने, 10 उम्मीदवारों के चार उम्मीदवार, कैबिनेट मंत्री राजकुमार वेरका का वड्डा दावा, कहा आम आदमी पार्टी में कोई नहीं रहना चाहता। नवजोत कौर सिद्धू ने फिर तो दोहराई अफीम की खेती की मांग, सीएम चन्नी पंजाब अफीम की खेती देण मानता। विदेशों में दी जाती है अफीम की खेती मानता, अफीम ड्रग नाल जोड़ के देखना नहीं चाहिए, नवजोत कौर सिद्धू का वड्डा बयान। सीएम चन्नी नूं मिले लोकसभा मैंबर परनीत कौर, चंडीगढ़ विच हुई मुलाकात, एमपी परनीत कौर नाल पटियाला दे मेयर ते एमसी भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री चन्नी नूं मिले एससी कमिशन दे कौमी प्रधान विजय सांपला, पुत्र साहिल सांपला दे विआह दा दित्ता न्यौता। विजय सांपला दी सीएम चन्नी नाल समाजिक मुद्दिआं ते हुई गलबात, सीएम ने विआह दे विच आउण दा दित्ता भरोसा। सुखबीर सिंह बादल का सूबा सरकार ते जुबानी हमला, मंडियां दे बंद होने कारण किसानां नाल हो रही है लुट। किसानां दे हक च बोले सुखबीर बादल, कहा किसानां नूं मजबूरन घट रेट ते वेचना पै रहा झोना, सूबा सरकार सिर्फ ड्रामा कर रही। लुधियाणा के हलका गिल्ड विच सुखबीर सिंह बादल दा किसानां दे वल्लों कीता गया विरोध। हलका गिल्ड विच चोणां नूं लैके प्रचार करन लई पहुंचे सन सुखबीर बादल, दर्शन सिंह शिवालक के हक दे विच प्रचार करन गए, सुखबीर बादल दा कीता गया विरोध। ਠੰਡਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਕਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਹਰ ਤੱਕੇ ਦਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰ 80 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਸੰਕਲਪ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਧਿਆ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਾੜਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ 234 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਪੜ ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੀਤ ਹੇਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੀ ਸੀਮ ਚਰਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਮੀਤ ਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
मालविका सूद ने अज तक किसी भी पार्टी नाल जुड़न का फैसला नहीं लिया। सोनू सूद ने साफ किया कि वह सियासत में फिलहाल नहीं आ। किसानों के विरोध के बावजूद 35 परिवार बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी वालों बठिंडा एनर्जी पैलेस में समागम करवाया गया। बीजेपी के इस प्रोग्राम का किसानों वालों विरोध किया गया। बीजेपी में शामिल होने वाले लोगों ने कहा कि वह बीजेपी की नीतियों से खुश होकर पार्टी में शामिल हुए। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने श्री हरिमंदर साहब विखे मत्था टेक के गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। चंदूमाजरा ने कहा कि केजरीवाल की पौधी सरकार की सांझ सामने आ चुकी है। किसानों से शहादत करने वाली आप पार्टी दालों च सूबे के लोग नहीं आएंगे। माघाप्राणा पहुंचे सिमरजीत सिंह बैंस ने कहा कि लोक इंसाफ पार्टी सूबे में कल विधानसभा दुनिया लड़ेगी और किसी भी पार्टी गठजोड़ नहीं करेगी। सुखपाल खहरा के पुत्र अपने पिता की गिरफ्तारी तो बाद पहली बार हलका प्लस पहुंचे, जिथे उन्होंने कहा कि प्लस के लोग इस मुश्किल समय में उन्होंने खड़े ने। सिर्फ उन्होंने पिता को सियासी रंजिश कारण झूठे मामले में फंसाया गया। पटियाला गुंडागर्दी दी तस्वीर आई सामने। निहंग सिंह ने किते पुलिस नाल बदसलूकी। पुलिस सामने कड़ी कृपाण पद शब्दावली की की वरतों। निहंग सिंह ने पुलिस से लगाए पग उतारन दे इल्जाम। पुलिस ने निहंगा नूं किया गिरफ्तार। झगड़े में एक पुलिस वाले के हाथ से लगी सट। निहंग ने पुलिस से लगाए पग में हाथ पाने दे इल्जाम। किसानों वालों बीजेपी का विरोध लगातार जारी। बठिंडा में बीजेपी की महिला आगू के प्रोग्राम का किसान यूनियन ग्राहां वालों किया गया विरोध। बठिंडा में बीजेपी में कई लोगों को शामिल करवाने एक निजी पैलेस में रखा गया समागम। जिस जानकारी मिल रही किसान यूनियन प्रोग्राम वाली थान पर पहुंच गए थे। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। फरीदकोट में डिप्टी सीएम ओपी सोनी का विरोध होया। इस बाल दिवस मौके ओपी सोनी का विरोध किया गया। डीपी खाद ना मिलने कारण किसानों में रोस छपाया जा रहा। चलते मुक्तसर किसानों ने खेतीबाड़ी दफ्तर पहुंच के इल्जाम लगाए ने कि डीपी खाद की कालाबाजारी हो रही है। गालाबाद के नाल लगते अरनीवाला से पहुंचे विधायक रविंदर आमला इलाके में किसानों ने रोक लिया। उन्होंने तो कई सवाल पूछे। हालांकि पूछे जा रहे कि एक सवाल का विधायक आमला ने जवाब भी दिता। बेरोजगार पीटीआई यूनियन के एक मैंबर दलजीत सिंह की डेंगू नाल मौत हुई। मृतक दलजीत सिंह मानसा जिले का रहने वाला से जिसने तरफ में करीब 28 दिन शमूलियत की। डेंगू मामलों का हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया। पंजाब में डेंगू मामलों ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड। डेंगू कारण हुण तक पंजाब में 71 लोगों की हो चुकी है मौत। इस साल मोहाली में डेंगू के 3000 केस आए सामने। डेंगू कारण मोहाली में 36 लोगों की हो चुकी है मौत। पंजाब भर में 20,000 से ज्यादा डेंगू के मामले रिकॉर्ड किए गए। डेंगू के मामले में दूसरे नंबर पर बठिंडा शहर है। बठिंडा में 2200 डेंगू के मामले सामने आए। जगराओं के पिंड मामीपुरा में एक नौजवान का मनीला से गोली मार के कतल किया गया। 34 साल मृतक नौजवान का नाम जीवन सिंह दस्या जा रहा है, जिहड़ा कि करीब 12 साल पहला मनीला गया। हुशियारपुर पुलिस ने आर्यन हंस मामले में कतल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। 10 नवंबर तो आर्यन हंस लापता चल रहा है, जिसकी मृतक के 12 नवंबर को पंगी चोट तो मिली। जगराओं के पिंड हंस कला चूस वेले एक नौजवान का कतल कर दिया गया, जब वह अपने दोस्तों नाल जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। दो दोस्तों ने मिलकर एक सरदार के रणदीप सिंह तेजर हथियार के नाल हत्या कर दी। समराला पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार करके उन्होंने को 3 पिस्तौल 30 जिंदा कारतूस से 5 मैगजीन बरामद किए हैं। बठिंडा में सड़क सुरक्षा मुहिम नो चलाने का आगाज किया गया। इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों प्रति जागरूक किया गया। सुल्तानपुर लोधी तो वापस आ रही संघ का छोटा हाथी खंभे नाल टकरा गया, जिस कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई तो 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हुशियारपुर के दसूहा तलवाला रोड से मोटरसाइकिल की टक्कर एक व्यक्ति की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूबे में कड़ी गई वार्ड अटेंडेंटा दी 800 पोस्टों लिए प्रीख्या ली गई। फरीदकोट में भी प्रीख्या ली गई। सूबे भर में पेपर करवाने के लिए करीब 370 सेंटर बनाए गए। वातावरण ने नो चलान डे के तहत कई थावां प्रोग्राम की शुरुआत करवाई। इसके तहत सड़क सुरक्षा मेरा फर्ज तहत नवांशहर में भी एक प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया। गुरुनानक साहब जी के प्रकाशपुर में समर्पित स्टेट गुरुद्वारा साहिब कपूरथला तो सुल्तानपुर लोधी तक 21 सालाना पैदल यात्रा कटी गई। रेलवे ने किया ऐलान, अगले 7 दिन तक प्रभावित रहेगा टिकट रिजर्वेशन सिस्टम। रात 11:30 बजे तो 6 घंटे बुकिंग नहीं हुई।